हाय दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, देश विदेश संबंधित बारे में मैं बताता हूँ। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ उस कंट्री के बारे में जहाँ पर लोग अच्छा खासा इनकम और पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ मलेशिया में। यदि मलेशिया में कैसे जाना चाहिए, मलेशिया में किस कंपनी में जाना चाहिए, मलेशिया में कौन काम में सबसे ज़्यादा पैसा है, आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहले दोस्तों हम जान लें, देखिए दोस्तों, हमारे भारत के बहुत ऐसे लोग हैं जो मलेशिया जाकर अच्छा खासा इनकम और पैसा कमा रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी जाएं, अच्छा खासा इनकम पैसा कमा सके। कैसे एजेंट मिलेंगे, कैसे कम पैसा में हम मलेशिया पहुंच जाएंगे और ज्यादा इनकम कमाएंगे। बात आती है पैसे की, तो मैं दोस्त घर द्वार सब कुछ छोड़कर विदेश विदेश चला जाता हूं कमाने के लिए। उसी प्रकार दोस्तों मैं आज बात बताने वाला हूं, मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कह सकते हैं बहुत ज्यादा इनकम है। साथ ही साथ मैं बता दूं किस काम में आप जाइए तो मलेशिया में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बात करते हैं होटल के। अगर होटल में आप जान रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ टैलेंट हैं, तो मैं यही कहूंगा कि होटल में यदि आपको जॉब मिल गई, या तो वेटर की जॉब कर लीजिए, या तो वॉचमैन की जॉब कर लीजिए, या तो अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कुछ इंग्लिश के परिभाषा जानते हैं, तो मैं यही कहूँगा अगर मैनेजर बन गए तो मैनेजर की वहाँ इनकम है कम से कम 1.5 लाख रुपया। हाँ दोस्तों सही सुने, मैनेजर यदि बन गए मलेशिया में होटल में, तो कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख करीब में कमा लेंगे। बात करें अगर छोट में, यदि मलेशिया में आप वेटर के काम पा गए हैं, तो 25 से 30 हज़ार आपको महीना मिल जाएगी, ऊपर से कम 20 से 25 हज़ार आपको टिप मिल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ मलेशिया में एक ऐसा कंट्री है जहाँ महिला और पुरुष दोनों काम करते हुए पाएंगे आप। साथ ही साथ आप वहाँ जाएंगे कैसे और पैसा कितना लगेगा, वो भी मैं आज ही इसी वक्त इसी टाइम में बताऊंगा कि आप कैसे मलेशिया जा सकते हैं। हमारे इंडिया में तो दोस्तों ठंडी है, पर वहाँ मलेशिया में कुछ ऐसा ठंडी नहीं है जो इंडिया में और जम्मू कश्मीर में पड़ती है, वो ठंडी मलेशिया में नहीं पाएंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दूं, मलेशिया में हमें जाना कैसे चाहिए। कभी भी दोस्तों अगर मलेशिया में आप जा रहे हैं, तो एनओसी के थ्रू आप जाइएगा। एनओसी के थ्रू ये रहता है कि इंडिया की कोई भी अगर किसी कंट्री में जाएगा तो जब तक आएगा नहीं तब तक छानबीन हो सकती है। दूसरी नंबर, कम पैसा कैसे लगेगा, चलिए दोस्तों थोड़ी इस बारे में जान लिया जाए। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो अपना हर बंदे से 5 हज़ार 4 हज़ार 2 हज़ार कमा लेते हैं, बस उतना भेज देते हैं। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो हर एक बंदे से कम 10 हज़ार 20 हज़ार कमाना चाहते हैं। आज दोस्तों हम बताएंगे कैसे आपको मलेशिया में कम पैसे में चले जाएंगे। पहले आप एक पासपोर्ट लीजिए जो एसएनआर पासपोर्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आप किस कंपनी में लगाना चाहते हैं उसी कंपनी में लगाएं, और गूगल थ्रू से आप चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी अच्छी है कि बेकार है। google.com पे जाइए, उस कंपनी का पूरा बायोडाटा डेटा डालिए। उसके बाद जब सब कुछ अपने चेक कर लीजिए, तब एजेंट के पास जाइए, तो उसे कहिए कि भाई हम इस कंट्री में जाना चाहते हैं और इस कंपनी में भेजना चाहते हो तो हमें भेज दो। तो दोस्तों ऐसे जानकारियां कुछ अपने पास लेकर जब किसी एजेंट से मिलेंगे तो आपको क्या करेगा, वो मतलब भरोसा देगा कि भाई हम इस कंपनी में भेज देंगे तुमको। तो दो चार हफ्ते लग सकते हैं, एक आध हफ्ते लग सकते हैं, या चाहे कह सकते हैं 15-20 दिन लग सकते हैं। तो इस प्रकार से वो आपको मतलब मोहलत देगा। साथ ही एक बात और बता दूं, पासपोर्ट की कभी भी ओरिजिनल पासपोर्ट एजेंट को नहीं देना चाहिए, आप उसका फोटोकॉपी दे दीजिए। फोटोकॉपी से काम हो जाता है, और पासपोर्ट देने से आप एकदम गिरवी हो जाएंगे उसके पास कि उसी से जाना है तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। तो दोस्तों मलेशिया से और जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे और वीडियो आपको देते रहूँ। और आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे दोस्तों कुछ अन्य बातें लेकर मलेशिया के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।